वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप ऐसी बलगम जिसका हरा रंग हो या फिर पीले रंग की हो, इसके आने की क्या वजह हो, आज की वीडियो में इस कलर की बलगम आने की कौन सी कंडीशंस, कौन सी बीमारियां इसकी वजह बनती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो ज्यादा सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, की हरी या पीले रंग की बलगम की क्या वजह होती है। हरे या पीले रंग की बलगम आना इस बात की अलामत है कि इंसान का जिस्म किसी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ रहा है। बलगम का जो रंग है, इंसान के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी खून के जो सफेद खुली होते हैं, इन खुलियों से बलगम का ये कलर जो है वो आता है और इंसान सबसे पहले पीले रंग की बलगम को जो है वो नोट करता है। लेकिन जब इसकी कंडीशन मजीद बढ़ती है, जो भी कंडीशन इसको हुई होगी, जो बीमारी हुई होगी, जब वो बढ़ जाती है, इसकी स्टेजेस बढ़ जाती हैं, तो यही बलगम हरे रंग की नजर आती है। बलगम का रंग इंसान को हुई जो बीमारी है उसकी शिद्दत, उसकी सिवियरिटी, इस बीमारी के क्रॉनिक होने और ये कितने अरसे से ये बीमारी इंसान को है, इसके हिसाब से जब वो बलगम का रंग जब वो तब्दील होता है, यानी बलगम के रंग के तब्दील होने का इन्हसार जब इंसान की बीमारी की शिद्दत पर है और कितने टाइम या अरसे से ये बीमारी जब इंसान को हुई है, इन बातों पर डिपेंड होता है। हरे या पीले रंग के बलगम की वजह बनने वाली बीमारियां जो होती है वो ये है। फर्स्ट जो है ब्रोनकाइटिस। ब्रोनकाइटिस ये बीमारी आमतौर पर ड्राई कॉफ यानी खुश्क खांसी के साथ जब वो शुरू होती है और साथ सफेद या साफ रंग की जब वो बलगम आती है। वक्त गुजरने के साथ साथ खांसी के साथ ये बलगम जो है वो हरे और पीले रंग की आना शुरू हो जाती है, जो कि कंडीशन के बढ़ने की भी एक अलामत होती है। और बलगम के हरे या पीले रंग का होना इस बात की अलामत है कि आपको जो बीमारी हुई है वो पहले वायरल थी, जो कि अब बढ़कर बैक्टीरियल हो चुकी है, यानी बैक्टीरिया पैदा होकर बढ़ चुका है। इस कंडीशन की वजह से होने वाली खांसी 90 दिन तक जब इंसान को रहती है, यानी ये तकरीबन 3 माह तक रहती है। नेक्स्ट जो कंडीशन जो कि हरे या पीले रंग की बलगम की वजह बनती है वो है निमोनिया। निमोनिया सांस की बीमारियों की वजह से होने वाली पेचीदगियों और मसाइल की वजह से जब इंसान को होती है। जिन अफराद को निमोनिया होता है, ऐसे अफराद को खांसी के साथ हरे या पीले रंग या बाजुकात खून वाली बलगम जो है वो आती है। मरीज में निमोनिया की अलामत जाहिर होने का इन्हसार इस बात पर होता है कि इंसान को कौन सी किस्म का निमोनिया जो हुआ है, यानी निमोनिया की टाइप कौन सी है, इस बात पर ये चीज डिपेंड हो रही होती है। निमोनिया की तमाम अकसाम की आम और कॉमन अलामत जो है वो ये होती है, यानी निमोनिया जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन जो एक सिम्टम्स होती है वो कॉमन जो होती है सब में एक जैसी होती है, यानी कुछ सिम्टम जो है टाइप्स के हिसाब से होती है लेकिन कॉमन जो होती है वो सब में सेम ही होती है। हर किस्म में यही अलामत होंगी, लेकिन टाइप के हिसाब से ये जो कॉमन अलामत है इनके साथ टाइप के हिसाब से मजीद अलामत जो शामिल हो जाती है, वो टाइप पर डिपेंड करती है। कॉमन जो सिम्टम्स है वो ये है, इंसान को खांसी आती है, बुखार होता है, ठंड लगना, सांस का कम आना निमोनिया की अलामत में शामिल है। नेक्स्ट जो कंडीशन इस बलगम की वजह बनती है, इस कंडीशन का नाम साइनसाइटिस है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको साइनस इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये कंडीशन वायरस या एलर्जीज या फिर बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी ये तीन चीजें जो इसकी वजह बनती हैं। जब ये कंडीशन बैक्टीरिया की वजह से हो तो ये अलामत इंसान में जाहिर होती हैं। फर्स्ट जो अलामत है, बलगम हरे या पीले रंग की नजर आती है। इसके अलावा नाक का बंद होना, थ्रोट यानी हलक में जो है वो बलगम का बहना। नेक्स्ट है साइनस कैविटीज, यानी साइनस की जो नाली होती है उसमें प्रेशर दबाव सा महसूस होता है इंसान को। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो कि हरे या पीले रंग के बलगम की जो वजह बनती है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये फेफड़ों की क्रॉनिक डिजीज है, यानी फेफड़ों की सीवियर शिद्दत वाली जो बीमारी होती है, यानी स्टेजेस जो है यहाँ पे बढ़ चुके होते हैं, क्योंकि बीमारियों के कुछ स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज होती है, सेकेंड स्टेजेस होती है, थर्ड होते हैं और लास्ट स्टेजेस होती है। तो कंडीशन का क्रॉनिक होना या सीवियर होना इन लेवल्स का जो बढ़ना जाहिर करता है, ये थर्ड लेवल हो सकता, यानी ये थर्ड स्टेज हो सकती है या फिर लास्ट स्टेजेस की तरफ इंसान जा रहा होता है, ये सीवियर और ये बीमारी के सीवियर और क्रॉनिक होने को जाहिर करता है। जिन अफराद की कंडीशन होती है, ऐसे अफराद के फेफड़ों में बलगम जो है वो पैदा होती है। ये बीमारी ज्यादा तो छोटे बच्चों और नौजवानों को जो है वो मुतासर करती है, अफेक्ट करती है। इस कंडीशन की वजह से बलगम का रंग मुख्तलिफ तरह से जो है वो तब्दील होता है, चेंजेस होती है, जो की कंडीशन के बढ़ने के साथ जो है वो तब्दील होता है। पीले से हरा रंग होता है और हरे से जो है वो ब्राउन रंग में ये बलगम जो है वो तब्दील हो जाती है और खांसी के साथ जाहिर होती है। हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात एक को अच्छी लगी है
प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।